जूझ मराठी के प्रख्यात कथाकार आनंद यादव का बहुचर्चित और बहुप्रशंसित उपन्यास है। इसी उपन्यास का एक अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में जूझ शीर्षक से संकलित है। इसमें एक संघर्षशील किशोर के जीवन के यथार्थ का चित्रण है। तो शुरू करते हैं कहानी का सार। लेखक के पिता ने कक्षा 4 के बाद ही उसे पाठशाला जाने से रोक लिया और खेतों के काम में लगा दिया। खेत का काम करने में उसे खेतों में पानी देना होता, कोहलू पर काम करना होता, परंतु लेखक पढ़ना चाहता था। वह जानता था कि खेती में जन्म भर भी काम कर लेगा तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, और यदि वह पढ़ लिया तो शायद उसकी नौकरी लग जाएगी। इस बात को वह अपने दादा से कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दादा इस प्रस्ताव को सुनकर बुरी तरह से उसकी पिटाई करेंगे। उसके कोहलू का काम समाप्त हो चुका था। लेखक की माँ कंडे थाप रही थी, कंडे यानी उपले थाप रही थी, और लेखक बाल्टी में पानी भरकर अपनी माँ को दे रहा था। इस एकांत को देखकर लेखक ने माँ से बात करने का अच्छा अवसर समझा और अपने पढ़ने की बात चला दी। लेखक की माँ ने अपनी लाचारी बताई और कहा कि दादा अगर यह बात सुनेंगे तो सुअर की तरह गुर्राएंगे। रात को दोनों माँ बेटा राव सरकार के घर जाते हैं। माँ भी चाहती है कि उसका बेटा 7वीं तक पढ़ाई कर ले। माँ ने दीवार के साथ बैठकर दत्ताजी राव को सब कुछ बता दिया। उसने यह भी बताया कि उसका पति सारा दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ भी नहीं लगाता। उसने राव को यह भी बताया कि खुद काम से बचने के लिए उसने लड़के को पाठशाला जाने से रोक रखा है। लेखक ने राव जी के भाव अपने अनुकूल देखकर कहा कि अब जनवरी का महीना है तो वह पढ़ाई शुरू कर देगा। अब भी यदि उसे पाठशाला भेज दिया जाए तो वह 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी कर लेगा और परीक्षा में पास हो जाएगा। इस तरह उसका 1 साल बच जाएगा, क्योंकि पहले ही उसका 1 साल बर्बाद हो चुका है। दादा की करतूतें सुनकर राव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा, मैं आज ही उसे ठीक करता हूँ। राव ने लेखक से कहा कि घर जाते ही दादा को मेरे पास भेज देना और घड़ी भर बाद तू भी कोई बहाना बनाकर आ जाना। माँ बेटा ने राव को सचेत कर दिया था कि हम दोनों के यहाँ आने की बात दादा को ना बताएं। राव ने कहा, तू उसके सामने निडर होकर जो मैं पूछूं वह कह देना। योजना के मुताबिक लेखक की माँ ने दादा को राव जी के यहाँ यह कहकर भेज दिया कि राव साहब के यहाँ सब साग भाजी देने गई थी, तब राव साहब ने कहा, बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया है, सो उसे मेरे पास भेजना। लेखक का दादा देसाई के बाड़े के बुलावे को सम्मान समझकर तुरंत चला गया। आधे घंटे बाद लेखक की माँ ने लेखक को यह कहकर भेज दिया कि माँ खाना खाने के लिए बुला रही हैं। राव जी ने लेखक से पूछा, कौन सी में पढ़ता है ऋतु? लेखक ने बताया, 5वीं में था किंतु अब स्कूल नहीं जाता। क्यों? इसके उत्तर में लेखक ने बताया कि दादा ने मना कर दिया है, क्योंकि खेतों में पानी लगाने का काम मुझे दिया गया है। राव ने लेखक के दादा रत्नप्पा से जब सच्चाई पूछी तो उसने यह बात मान ली। इसके बाद सरकार ने लेखक के दादा को बहुत फटकार लगाई और कहा कि खुद खुले सांड की तरह घूमता है, लुगाई और बच्चों को खेती में जोतता है, अपनी मौज मस्ती के लिए लड़के की बलि चढ़ा रहा है। सरकार ने लेखक से कहा, तू कल से पाठशाला जा, मास्टर को फीस दे दे, मन लगाकर पढ़, साल बचाना है। यदि यह तुझे जाने नहीं दे तो मेरे पास चले आ जा, मैं तुझे पढ़ाऊँगा। लेखक के दादा ने लेखक पर जुआ खेलने, कंडे बेचने, चारा बेचने, सिनेमा देखने, खेलने जाने, घर के काम में ध्यान न लगाने के अनेक झूठे आरोप लगाए। लेखक ने अपने उत्तर में देसाई सरकार को संतुष्ट कर दिया। राव जी ने पूछा, तू कभी फेल तो नहीं हुआ? लेखक के मना करने पर उसे कल से पाठशाला जाने का आदेश दे करके घर भेज दिया। बाद में राव साहेब ने रत्नप्पा को समझाया और उन्होंने स्कूल जाने की हाँ भर दी।
लेखक के दादा ने लेखक से यह वचन ले लिया कि सुबह 11 बजे तक खेत में काम करना पड़ेगा, फिर पाठशाला जाना और छुट्टी के बाद घंटा भर पशु चराना और काम की अधिकता पर छुट्टी भी लेनी पड़ेगी। लेखक ने सारी शर्तें मान ली। लेखक 5वीं कक्षा में जाकर के बैठने लग गया। कक्षा में गली के 2 लड़कों के अतिरिक्त सभी अपरिचित थे। सभी लड़के लेखक से कम उम्र के थे। लेखक बाहरी अपरिचित के समान बेंच के एक कोने पर जाकर के बैठ गया। कुछ शरारती लड़कों ने उसकी खिल्ली उड़ाई और उसका गमछा छीनकर मास्टर की मेज पर रख दिया। बीच की छुट्टी में उसी लड़के ने लेखक की धोती की लांग खोल दी। पाठशाला के बच्चे तरह तरह से लेखक को परेशान करते रहे। इस दशा को देखकर वह घबराने लग गया। उसका मन उदास हो गया। उसने माँ से कहकर एक नई टोपी और चड्डी मंगवा ली और स्कूल चड्डी पहनकर जाने लगा। गणित के अध्यापक शरारती लड़कों की पिटाई करते थे, अतः कक्षा में शरारत कम होने लगी। बसंत पाटिल लेखक से आयु में छोटा था, किंतु पढ़ने में बहुत होशियार था। वह कक्षा का मॉनिटर था, स्वभाव से शांत था और वह पूरी तैयारी करके आता, पहली बेंच पर बैठता था। कक्षा में उसका सम्मान था। लेखक ने भी बसंत पाटिल के समान पूरा ध्यान अपना पढ़ाई पर लगा रखा था और वह हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ता रहता। मन की एकाग्रता के कारण गणित समझ में आने लग गया था। बसंत पाटिल के समान लेखक भी लड़कों के सवाल जांचने लगा। उसकी बसंत से दोस्ती हो गई। मास्टर जी ने प्रसन्न होकर आनंदा नाम लेकर उसे पुकारा। मास्टर के अपनेपन और बसंता की मित्रता के कारण उसका पाठशाला में मन लगने लग गया। नवा सोंदलेकर मराठी के अध्यापक थे। वे कुछ बहुत तन्मय होकर पढ़ाते थे। उन्हें मराठी और अंग्रेजी की बहुत सारी कविताएं कंठस्थ थी। उनका गला सुरीला था, छंद और लय का ज्ञान था। वे कविता के साथ ऐसे जुड़ते कि अभिनय करके भावबोध कराते। वे स्वयं भी कविता करते थे। कभी कभी कक्षा में अपनी कविता सुना देते थे और लेखक यह सब तन्मय होकर सुनता था। जब लेखक खेत पर पानी लगाता या ढोर चराता, तब वह एकांत में कविताओं को मास्टर के हाव भाव, यति गति, आरोह अवरोह के अनुसार गाता। मास्टर की तरह ही अभिनय भी वह करता। उसी समय उसने अनुभव किया कि मास्टर की तरह अन्य कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं। इन कविताओं का लेखक पर यह प्रभाव हुआ कि उसे पानी लगाने या ढोर चराते हुए अकेलापन महसूस नहीं होता था। लेखक अपने आप में ही मस्त रहने लगा। उसे एकांत अच्छा लगने लग गया। लेखक ऊंची आवाज़ में कविता गाता, अभिनय करता और कभी कभी नाचने भी लगता। लेखक ने कविता गाने की अपनी पद्धति सीख ली थी। लेखक मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा अभिनय से गाने लगा। कविता के भाव उसके चेहरे पर आने लगे। मास्टर को लेखक का कविता गायन इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 6वीं-7वीं के बालकों के सामने कविता गवाई। पाठशाला के एक समारोह में भी उसने गाना गाया। मास्टर सोलह लेकर समय कविता करते थे। अनेक कवियों के कवि संग्रह उनके घर में थे और वे कवियों के संस्मरण भी सुनाते थे। इससे लेखक की कवियों के बारे में यह धारणा बनी कि कभी भी अपने जैसा ही हार्ड मास का क्रोध लोभ का मनुष्य होता है, और सोचा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर जी ने अपने दरवाजे की मालती लता पर कविता लिखी थी। लेखक ने मालती लता व कविता दोनों देखी थी। इससे लेखक को लगा कि मैं भी अपने खेतों पर, गांव पर, गांव के लोगों पर कविता लिख सकता हूँ। अतः भैंस चराते चराते फसलों पर या जंगली फूलों पर लेखक भी तुकबंदी करने लगा। उन कविताओं को गुनगुनाता और मास्टर जी को दिखाता। लेखक को कविता लिखने की ऐसी धुन लगी कि यदि कागज पेंसिल नहीं होता तो कंकड़ से, पत्थर की शिला पर लिख लेता या लकड़ी के टुकड़े से भैंस की पीठ पर भी लिख देता। कंठस्थ होने पर उसे पहुँच देता। लेखक अपनी कविता मास्टर जी को दिखाता। कभी कभी कविता दिखाने के लिए रात को ही मास्टर जी के घर पहुंच जाता। मास्टर जी उसे कविता का शास्त्र समझाते।
छंद, लय, अलंकार आदि का ज्ञान कराते, शुद्ध लेखन के नियम बताते, लेखक को तरह तरह की पुस्तकें देते। उन्होंने उसे कविता करने के अनेक ढर्रे सिखाए। इस प्रकार लेखक को मास्टर की निकटता तो मिलती ही थी, उसकी मराठी भाषा भी सुधरने लगी। से शब्द का महत्व तो समझ में आ गया। अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने का उसका अभ्यास काफ़ी हो चुका था। इस प्रकार से उसने कविता लिखना भी सीख लिया था।